अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया, मुझे इस पर तश्वीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, भरवाइए मत कीजिए, ये इन चीज़ें कामयाब नहीं होंगे, हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई। यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। दो ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायत इलेक्शंस की भी तैयारी। जब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत, टाउन एरिया कमेटीज, म्यूनसिपैलिटीज, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एनसी ने बाइकॉट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है अभी तक। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सोचते वक्त आ गया कि यूनियन टेरिटरी को ख़त्म होना चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो स्टेटहुड का प्रॉमिस है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। Hopefully situation will be better. I'm sure it'll be all right. It'll be okay.